हेलो एवरीवन वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव आई पीसीएस एस पे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गोंगाडी शॉल गोंगाडी शॉल इस समय चर्चा में है चर्चा में क्यों है क्या कारण है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन इस, बन सकता है इस पे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहला पॉइंट अभी के समय पे गोंगाड़ी शॉल जो है चर्चा में क्यों है क्यों है ये न्यूज में तो याद रखना अभी जो है इसी शॉल का जो ये शॉल बनाई जाती है इस शॉल के जो वूल है जो कपड़ा है आई थिंक, उस कपड़े का इस्तेमाल किया जाएगा जूता बनाने में और ये जूता किसके लिए होगा किसानों के लिए होगा ठीक है ये जो गंगाड़ी शॉल है इसका इस्तेमाल किया जाएगा जूता बनाने में और ये जो जूता है ये किसानों के लिए होगा जो हर वेदर कंडीशन में सभी मौसमों में यह जो जूता है ये किसानों के द्वारा पहना जाएगा ठीक है और दूसरी बात यहां से याद रखिएगा ये जो जूता है इसका ये किस ब्रांड के अंदर आएगा तो याद रखिएगा कि यह जो ब्रांड नेम है यार ठीक है यार ब्रांड नेम के अंदर जो है इसको बनाया जाएगा ठीक है इसका जो डाइट वेरियंट है उसकी कीमत लगभग लगभग सौ रुपए रहेगी और अनडाइड जो मॉडल है उसकी कीमत नौ सौ रुपए होगी तो इसका हम स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं ठीक है स्टैटिक पार्ट यहां पे एक चीज हमने समझ ली कि जो गुमगाड़ी शॉल है ये चर्चा में क्यों है ये पता चल गया और नेक्स्ट इसका जो स्टैटिक पार्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं कि इस शॉल को बनाता कौन है वेरी गुड इवनिंग मोहिनी स्वागत है आपका क्लास में एक बार सेशन को फराक से शेयर कर देंगे अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम पढ़ रहे हैं गोंगाडी शॉल्स के बारे में और गोंगाडी शॉल चर्चा में क्यों है कौन इसको बनाता है ठीक है ये चीज आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित जो स्टैटिक पार्ट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे ठीक है तो तो किसके द्वारा इसको बनाया जाता है तो याद रखिएगा ये जो तेलंगाना देखो तेलंगाना की एक कम्युनिटी है जिसका नाम है ये कम्युनिटी बेसिकली पेस्टोरल कम्युनिटी है जिसके द्वारा इस शॉल का निर्माण किया जाता है ठीक है बात समझ में आ गई कि कुरुबा या फिर कुरुमा जो कम्युनिटी है इसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और इसी शॉल के द्वारा इसी शॉल के यूज करके जूतों का निर्माण किया जाएगा और जूते बनाएगा कौन बनाया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के कुछ छात्र हैं जिनके द्वारा इस प्रकार के जूतों का निर्माण किया जाएगा ठीक है तो इतनी सी बात समझ आई कि हमें करंट की कुछ कुछ सीधे सीधे मोटी मोटी बातें जाननी है ठीक है अब बारी है यहाँ पे कि जो कुरबा और कु, जो कुरमा कम्युनिटी है ठीक है कुरुबा और जो कुरुबा और कुरुमा ठीक है मतलब यहाँ पे नाम एक है और अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है चाहे कुरुमा कह लो चाहे कुरुबा कह लो ठीक है तो ये एक हिंदू कास्ट है ठीक है तो हिंदू जाति है ये और कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए ये भी सवाल बन सकता है क्योंकि गोंगाड़ी शॉल चर्चा में है इससे संबंधित स्टैटिक पार्ट को भी हमें करना है ठीक है तो कुरुमा या फिर जो ये कम्युनिटी है ये बेसिकली हमारे सदर्न इंडिया के अंदर पाई जाती है अगर मैं मेनली बात करूं स्पेसिफिक तौर पे कौन कौन से राज्य होंगे तो कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बारे में हमने बात कर ली तो इन राज्यों के अंदर ये कम्युनिटी पाई जाती है ठीक है सो so, पेस्टरल कम्युनिटी है ये ठीक है और उत्तर भारत में इसी कम्युनिटी को इसी समुदाय को गडरिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं ठीक है तो यहां से बात समझ गई कि उत्तर भारत के अंदर ये जो कम्युनिटी है जिसको हम गडरिया के नाम से जानते हैं दक्षिण क्षिण भारत में इसको कुरुमा या फिर कुरुबा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये बात समझ ली है। बात करते हैं यहाँ पे हम भेड़ के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है इसकी ऊन भी कहीं से हमें मिलती होगी इसकी जो ऊन है ठीक है जिसका इस्तेमाल गोनगाडी शॉल बुनने के लिए किया जाता है वो ऊन हमें कहां से मिलती है वो ऊन मिलती है हमें डेकनी शीप से या फिर दक्कनी भेड़ जिसको हम कहते हैं इस भेड़ से जो ऊन प्राप्त होती है उसका इस्तेमाल कुरुबा कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है गोंगाड़ी शॉल को बुनने के लिए जिसका इस्तेमाल जूता निर्माण में अभी किया जाएगा ठीक है तो कहानी समझ आई जो भेड़ है उसका नाम क्या होगा डेकनी भेड़ ठीक है या फिर डक्नी शीप या फिर दक्नी भेड़ के नाम से हम इसको जानते हैं और दूसरा नाम इसे नल्ला गोरे के नाम से भी जाना जाता है ठीक है क्या नाम है नल्ला गोरे नाम से भी इसको जाना जाता है अब बात करते हैं ये भेड़ कहा कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है तो सेम वे से ये जो जैसा नाम बता रहे हमारे सदर इंडिया के अंदर पाई जाती है स्पेसिफिक तौर पे हम बात करें तेलंगाना के अंदर पाई जाती है जो आंध्र प्रदेश के कुछ भाग हैं वहां पे महाराष्ट्र में कर्नाटका के अंदर तमिलनाडु के अंदर इस भेड़ को देखा जा सकता है ठीक है और दूसरा नाम इसका हमने क्या कहा इसे नल्ला गोरे बेसिकली uh, नल्ला गोरे नाम से भी जानते हैं ठीक है थीके? इतनी सी बात समझ ली दक्कनी भेड़ है और इस भेड़ से हमें क्या प्राप्त होती है ऊन मिलती है ठीक है जिसे इस भेड़ को हम नल्ला गोरे के नाम से भी जानते हैं या फिर इसे ब्लैक शिप भी कह सकते हैं काली भेड़ भी हम इसको कहते हैं ठीक है थीके? और इससे जो ऊन मिलती है ठीक है इस ऊन के अंदर सिंथेटिक डाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ठीक है याद रखना कि सिंथेटिक डाई का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है जैविक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जो डाई है उसका इस्तेमाल इस ऊन के लिए किया जाता है ठीक है सो so, इतना सा पॉइंट समझना था बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और यही चीजें यहाँ पे हमें पता चलती है कि इसके स्टैटिक पार्ट क्यों चर्चा में है तो यहाँ पे पीटी का भी एक स्टेटमेंट यहाँ से मिल सकता है कि पीटी के कई सारे पहला कि गोंगाड़ी शॉल जो है कौन से राज्य में बनाई जाती है दूसरा यहाँ पे अः कौन कौन सी जनजातियों के द्वारा बनाया जाता है तो कुरुमा या फिर कुरुबा जनजाति के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और किस भेड़ से इसकी ऊन मिलती है तो याद रखिएगा डेक्नी भेड़ इसको कहेंगे दक्कनी भेड़ इसको हम कहेंगे ठीक है और ये हमारे सदन राज्य के अंदर पाई जाती है जिसका नाम नल्ला गौरे भी है ठीक है सो so, इतना शॉर्ट टॉपिक है जो आज की इस क्लास में हमें डिस्कस करना था कल फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर से शुरुआत होगी हमारे वापस से जर्नी स्टार्ट हो गई है जहां पे हम करंट के नए नए टॉपिक हर दिन चर्चा करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ